हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल और स्वागत है आपका डिंपल ड्रीम्स में। आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद बनाने जा रही हूँ। पंजरी जो जन्माष्टमी में स्पेशली कृष्णा को भोग लगाई जाती है, ये नॉर्मल पंजरी जो हम लोग आटे से रेडी करते हैं उसके जैसी नहीं होती है, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो चलिए देखते हैं जन्माष्टमी स्पेशल पंजरी कैसे बनाते हैं। इस पंजरी को बनाने के लिए हमें धनिया का यूज़ करना है। तो खड़े धनिया को मैंने ले लिया है, इसे धूप दिखा लेते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसका पाउडर रेडी कर लेते हैं। मैंने पाउडर रेडी करके रख लिया है। इधर हीट कर लेते हैं 1 चम्मच घी। घी के हीट होने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें इसमें रोस्ट करना है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को सेलेक्ट करें। मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, किशमिश लिया है, गड़ी लिया है और लिया है मखाने। तो इनको रोस्ट होने में जैसा टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं 1 बाय 1 सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और उन्हें रोस्ट करते जा रही हूँ। तो मखाने को अब डाल देते हैं और इसे भी रोस्ट कर देते हैं जब तक ये थोड़ा क्रंची ना हो जाए, कलर इसका थोड़ा डीप ना हो जाए। अच्छे से रोस्ट करना है हमें इसे, बिल्कुल लो फ्लेम में, लो टू मीडियम फ्लेम में ही करना, हाई फ्लेम में नहीं करें वरना वो क्रंचीपन नहीं आएगा इसमें। तो अब इसमें लास्ट में सारे जब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब लास्ट में हमें इसमें किशमिश भी डालना है। ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है और फिर इन सभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। सेम कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच फिर से हीट कर लिया है घी और इसमें 3 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर जो हमने रेडी करके रखा था उसे। बिल्कुल लो फ्लेम में इसे हमें रोस्ट करना है। हाई फ्लेम में पंजीरी का जो असली फ्लेवर है वो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने इसे देखिए रोस्ट कर लिया है और कलर जैसा कि आप देख रही है डीप भी हो चुका है और अच्छे से इसमें से खुशबू भी आने लगी है। रोस्ट होने के साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स जो हम लोगों ने भून के रखा था उसे इसमें डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। गैस को मैंने कर दिया है अब ऑफ और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी मैंने धनिया से थोड़ा सा ज़्यादा ली है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है ड्राई फ्रूट का फ्लेवर अगर थोड़ा सा ज़्यादा आए पंजीरी में तो, बट आपको जैसा पसंद हो आप धनिया की क्वांटिटी को इससे थोड़ा डबल भी रख सकती हैं या ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम भी कर सकती हैं। इतने ड्राई फ्रूट में आप आराम से 7 से 8 चम्मच डाल के भी धनिया का पाउडर बना सकती हैं पंजीरी। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया मैं इसमें मेजरमेंट आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको ये रेडी करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीनी भी मैंने डाल दिया है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पाउडर मैंने डाला है इसमें चीनी का और फिर से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया अच्छे से खुशबू के लिए। ये देखिए प्रसाद बनके रेडी है। ये प्रसाद हमें जन्माष्टमी में ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ये मेन प्रसाद होता है। इसको तुलसी पत्ता के साथ आप जन्माष्टमी में भोग लगाएं। हैप्पी जन्माष्टमी।